ये अभी हम यहाँ पर आए हैं, आज रिपब्लिक डे है और हम हमेशा चाहे रिपब्लिक डे हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, एवरी वीकेंड हम लोग आते हैं यहाँ पर, बीच साफ करते हैं अफरोज के साथ। पहले वर्षों बीच क्लीन अप हुआ था, फिर मिट्टी रिवर हो रहा है, अब दाना पानी आए हैं। ईजी नहीं रहता है बिकॉज जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी अभी वो मिट्टी मिट्टी नहीं रही है यहाँ पे, सारे जो कूड़ा कचरा है वो लोग फेंकते हैं जो यहाँ पे जो अंदर तक चले जाता है या और निकालना पड़ता है। ऑल्सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सारा कचरा यहाँ पर फेंक देते हैं, तो बीच बीच रहा नहीं है। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट हमारे बीचेस को इतना क्या कहते हैं एक धक्का लगता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेब्रीज एंड ऑल द प्लास्टिक और पत्थर और सीमेंट। पहले अमिताभ बच्चन नहीं गया था, फिर आज आप कर रहे हैं तो अच्छा। नहीं 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 वो तो हमेशा करते हैं, लेकिन आप आई थिंक बात करें वो मशीन की तो या हम लोग ने एक जेसीबी मशीन यहाँ पर अफरोज और उनकी टीम को दिया है बिकॉज या क्योंकि हम लोग काफ़ी मैं ऑलमोस्ट 2 साल से यहाँ पर हूँ और मैंने देखा अफरोज खुद अपने हाथ से कचरा उठाता था, फिर अमिताभ बच्चन सर ने एक जेसीबी मशीन उन्हें गिफ्ट की तो बहुत आसान हो गया था हमारे लिए कि बहुत सारा कचरा एक मशीन से उठाया जाता है और डाला जाता है, वरना हम सिंगल हैंडेडली करते थे। उसके बाद फ्यू मंथ्स बाद हमने एक जेसीबी मशीन दिया, तो हमारे पास अभी 2 जेसीबी मशीन हैं यहाँ पर कचरा उठाने के लिए, तो भी कम है। ओके, हमें और मशीन चाहिए और हेल्प चाहिए, सो जितनी हेल्प मिल सके उतनी बेहतर होगी। देखिए हम है ना गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, हम अपने आप को ही करना पड़ेगा हमें ब्लेम, बिकॉज गलती हमारी है, गलती आपकी है, गलती इनकी सबकी है, बिकॉज हम कचरा सब फेंकते हैं यहाँ पर, यू नो। नो नो आई डोंट मीन यू एंड मी, आई मीन ऑल ऑफ अस, यू नो। हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि इनका काम है, इनका जॉब है, बट नो, गवर्नमेंट का काम नहीं है। आपका हाथ पकड़ के थोड़ी ऐसे आपको लेके जा सकते कि ये इधर डालो उधर, जब तक खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब खुद एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही ब्लेम करते जाएंगे। भाई जिम्मेदारी लो, सिर्फ गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम मत करो, ओके, बिकॉज जितना ये एग्जैक्टली मैन दे, वो भारत का ध्यान रख रहा है, आप अपने घर का अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखो। नथिंग, अगर पहले कचरा ना ही फेंको देन ये क्लीन अप की जरूरत भी नहीं होती। वो तो ऐसा होगा नहीं, कचरा तो फेंकेंगे लेकिन प्लीज मत फेंको रियली, एंड कम एंड हेल्प बिकॉज हेल्प इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक एक बंदा अगर आएगा तो बहुत बहुत really make a lot of difference. और हम भी तब से ये कर रहे हैं जब हम बैंडर रहते थे, जब it was almost 10 years back, awareness नहीं थी कि कचरा उठाना चाहिए एंड लोग हमें देखते थे तुम लोग क्या करते हो every weekend, लोगों का कचरा उठाते हैं। गाड़ी में तो लोग कचरा फेंकते थे, हम लोग
गाड़ी रोकते थे और उन्होंने एक्सक्यूज मी आपका कचरा है, आपको कुछ गिर गया है, शायद आपको चाहिए होगा. नहीं, बट इट्स रॉन्ग, डोंट थ्रो इट आउट योर विंडो, डोंट थ्रो इट ऑन द बीचेस. सबसे ज्यादा क्या है, प्लास्टिक. It's terrible, and you know we believe in goddesses, devis. This is Mother Earth. Inki bhi izzat karo, please. Yeah. Okay, aaj Republic Day pe kya kehna chahenge? Yeah, itna sara kuch kehte hain Republic Day ke liye. To of course, ek din nahi hota hai. Aap ye jo crowd dekh rahe ho yahan par, ye actually sirf Republic Day ka crowd nahi hai. Ye hamesha weekend mein rehta hai. To wohi mujhe bahut acha lagta hai ki ek special day chunkar log nahi aate. वो फील करते हैं अपने अर्थ के लिए, अपने मदर के लिए, अपने नेचर के लिए, अपने ओशन के लिए, और वो आते हैं यहाँ पर. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल, एक कम्युनिटी बन गई है, यू नो, के क्लीन अप कम्युनिटी. और सबसे यंगेस्ट मेंबर क्लीन अप कम्युनिटी. थक गए क्लीन कर करके. थैंक यू.